नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटीन में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। अभी एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर लखीमपुर हिंसा जो पूरे देश के अंदर अब एक मुद्दा बन चुका है कि आखिरकार किसानों के ऊपर बिना मतलब की गाड़ी कैसे चढ़ाई करती है, और इसी को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियां विरोध करती हुई भी नजर आ रही है, और इसका असर अभी मुंबई के अंदर ज्यादा देखने को मिला है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार के तीनों दल, जी हां महाराष्ट्र सरकार के अंदर तीनों दल यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर दिया है, यानी कि पूरा राज्य बंद रहेगा। और वहीं पूरे राज्य बंद की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं मुंबई, पुणे और नागपुर की बात करें तो मुंबई, पुणे और नागपुर सहित सभी जगहों पर अब सड़कों पर गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही है, यानी कि सभी इस बंद का आह्वान का प्रावधान में जो उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और साथ ही साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ साफ लोगों का समर्थन किसानों की ओर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुंबई में 8 बसों को तोड़ने की बात भी इसमें सामने आई है। हालांकि तोड़फोड़ की घटना नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा। वहीं सभी मंत्रियों के, आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उसके इस्तीफे की मांग इसमें की जा रही है। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि लखीमपुर खीरी की घटना तो हो रही है, लेकिन वहीं घटना का असर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आज से देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है, और इसी को लेकर के कांग्रेस के नेता आज सिविल लाइन पर आज मौन व्रत रखेंगे। यह सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक के लिए किया गया है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटे यह मौन व्रत रहेगा। और इसी बीच वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई तमाम बड़े बड़े नेता देखने को मिल सकते हैं। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि हाल ही के अंदर अभी रीट की परीक्षा के अंदर जो धांधली की गई थी उसको लेकर के आज बीजेपी प्रदेश मोर्चा के प्रदेश में आज सभी थानों पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ सभी लोग मौजूद रहेंगे, और वहीं वह प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही इसके अंतर्गत बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको सभी लोगों की मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए और उनको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि यह इतनी बड़ी परीक्षा थी और इसके अंतर्गत जो अब धांधली सामने आई है उसको लेकर के यह विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस मामले के अंतर्गत सीबीआई की जांच की मांग भी की जा रही है, और वहीं सीबीआई की जांच की मांग के बाद में सभी के ऊपर अब जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सत्य साबित करने के लिए सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। वहीं आप सभी को एक बात बता दूं कि रीट की परीक्षा तो हो गई थी, लेकिन वहीं रीट की परीक्षा के अंदर मुख्य आरोपी जो पेपर लीक मामले के अंतर्गत सामने आ रहा था बत्तीलाल मीणा, उसे कल गिरफ्तार कर दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड के केदारनाथ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है एसओजी के द्वारा। जी एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार तो किया है, लेकिन वहीं आप सभी बता दो कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंतर्गत यह भागता भी रहा है और छुपता भी रहा है, और 3 दिन से इनकी लोकेशन उत्तराखंड में पाई जा रही थी। तो वहीं 8.5 लाख रुपए यानी कि 8.5 लाख रुपए में पेपर का सौदा तय होना भी इसमें बताया जा रहा है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।